हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुज उत्तराखंडी में। हम यहां पर अभी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 की तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। यदि आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो इस टाइम पे सरकारी स्कूल में या हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो फायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, हमने भौतिक विज्ञान में आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर था, स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर था, स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में हम वहां पे बेसिक चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हमने पढ़ना है वो आज पढ़ना हमने कूलाम्ब का नियम। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, स्थिर वैद्युतिकी मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कहें जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं उसको, चार्ज कहेंगे, आवेश। यदि आवेश स्थिर है तो उनके बीच एक बल लगता है, या तो वह बल प्रतिकर्षण बल होगा या वह आकर्षण बल होगा। यानी यदि आपके दो चार्ज सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि ये विजातीय चार्ज हो, अलग अलग चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो यहां पर जो आपका यह बल है, इस बल को 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम्ब, उन्होंने इस बल के बारे में गणना की थी। उन्होंने बताया था कि ये जो बल है यह किस पर निर्भर करता है, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे बिल्कुल प्रश्न आपका जरूर बनने वाला है, आप ये तय मान के चलिए, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यहां पर प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो आप देखिए, जैसे कूलाम्ब है, सपोज कीजिए हम बात कर लेते हैं चार्ज की, चार्ज है आपका एक, सपोज कीजिए हम चार्ज मान लेते हैं Q1, एक चार्ज है आपका Q2, ये निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है R, और ये कहां पे रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं आपके निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात मींस वैक्यूम में रखे हैं, ठीक है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे इसमें मीडियम्स में क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो ये निर्वात में रखे Q1 और Q2। तो जो फ्रांसीसी आपके वैज्ञानिक थे कूलाम्ब, इन्होंने बताया था जो ये बल है, जो चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ये किस पर डिपेंड करता है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में लिखें, एफ प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2, मतलब चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2। हम केवल यहां पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे सदिश राशि और अदिश राशियों के बारे में। तो फोर्स यानी बल एक प्रकार की सदिश राशि है, जिसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिखानी पड़ती है, दिशा बतानी पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो फोर्स एक आपकी सदिश राशि है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 into Q2। मतलब जब आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे, कूलाम्ब के नियम के अनुसार बल Q1 Q2 यानी चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और एफ प्रोपोर्शनल 1/r² मींस जो उनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती थोड़ा सा टिपिकल वर्ड हो जाता है, अब उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल 1/r². अब यहां पे जो आपका एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन नंबर 1, एफ प्रोपोर्शनल 1/r² आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आप क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r². आपने क्या लिखा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r². प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको एक नियतांक लगाना पड़ता है, नियतांक यानी आपको क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r². हम यहां पे केवल आज परिमाण की बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के साथ हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 वेयर के इज इक्वल टू नियतांक, के है क्या है आपका, नियतांक। अब ये नियतांक किस किस पर निर्भर करता है, ये अभी प्रश्न पूछा जाता है, मीडियम पर निर्भर करता है।
तो हमने क्या समझा, f प्रोपोर्शनल q1 q2, f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, f प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, f इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जो यहां पर k है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नियतांक। अब किस प्रकार का नियतांक बोलते हैं उसको अभी हम देखते हैं, आप इनके साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आपका कूलाम का नियम है, आप इसको लिखिए, कूलाम के नियम के बारे में आप डेफिनेशन लिखिए इसकी। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है। या आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा पॉज करके, नहीं तो आपकी बुक में लिखा होगा, आप वहां से इसको रेफरेंस ले सकते हैं। बुक आप कोई भी आप यहां पे रेफर कर सकते हैं, जो आपकी अच्छी बुक्स आपकी विद्यालयों में आपके स्कूल्स में चल रही है, आपके जो भौतिक विज्ञान के टीचर हैं या जो अन्य लोग आपको बता रहे हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि आप कौन सी बुक फॉलो करेंगे। यहां पर बात कर लेते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप इसकी यूनिट मुझे बता सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, आप बहुत जल्दी मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं के की यूनिट। आप देखिए आपका यहां पे आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो के इज इक्वल टू हम यहां पे बात कर लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। ऐसा ही पद्धति में आपने पढ़ा होगा के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये के की वैल्यू है जो आपका नियतांक है, जिसको कूलम्ब नियतांक भी बोलते हैं या बल नियतांक भी बोलते हैं। अब यहां पर देखिए इसी में अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इफ क्यू वन इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, क्यू टू इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, आर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्यू वन इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, क्यू टू इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, आर इज इक्वल टू 1 मीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ का जो मान होगा, एफ का मान होगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। आपको ये याद रखना है एफ इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। यहां पर आप इसको देख सकते हैं कूलाम्ब एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, आप देखिएगा इसको हम बाद में पढ़ेंगे, कूलाम्ब जो है एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो माइक्रो कूलाम्ब में लेते हैं। चलिए बात अगर आ गई है तो बात हम बता देते हैं आपको, माइक्रो कूलाम्ब आपने पहले पढ़ा होगा यूनिट्स और मेजरमेंट में, माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6, जैसे आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा मिली मतलब 10 की घात -3, सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2, किलो मतलब 10 की घात 3, मेगा मतलब 10 की घात 6, तो वैसे ही माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है 10 की घात -6 या 10 टू द पावर -6। जैसे हमको 1 माइक्रोमीटर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब हम चलते हैं इसी में आगे, जो आपका है इसकी वैल्यू, जो के है के की वैल्यू को हम देखते हैं के हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा के आपका डिपेंड अलग अलग चीजों पे करता है, तो के की वैल्यू के साथ जब हम इसको कहां पे रखते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स, हम इसको रखते हैं आपका निर्वात में यानी वैक्यूम में। निर्वात और एयर को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं दोनों सेम है, हालांकि दोनों बहुत अलग लगे लेकिन वैल्यूज लगभग सेम आती हैं। तो हम बात कर लेते हैं के की, के की वैल्यू है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। यहां जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप इसको सॉल्व करिए, तो आपने इसको सॉल्व किया, अब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8 इंटू 85 इंटू 10 टू द पावर -12 क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा, मींस कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, आप दोबारा सुनिए, मेरे
शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एक टिपिकल सा सिंबल है। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्साइलन। दोबारा सुनिए, एप्साइलन नॉट, नॉट मीन्स जीरो, एप्साइलन जीरो भी बोल सकते हैं बाद में, एप्साइलन आर, इसमें जब हम मीडियम लेके आएंगे तब हम पढ़ेंगे, आज इसको बोलेंगे एप्साइलन जीरो। एप्साइलन जीरो मीन्स इसको बोला जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। दोबारा सुनिए, इसको क्या बोला जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है परमिटिविटी। आप इसको भी ध्यान में रखिए, ये आपको आगे क्लासेस में मदद करेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे एक नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है, 8.85 × 10^-12, मतलब 8.85 × 10^-12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो ये यहां पे कहां पे, निर्वात में। निर्वात में हमने यहां पे बात करी किसकी, मीडियम, जिस मीडियम में रखा है। मैंने कहा कहां पे रखा है, मीडियम सर निर्वात में रखा है। अब इसी मीडियम को हम बाद में बदल देंगे, किसी जल में रख लेंगे, किसी और जो आपके कांच में है वहां पे रख सकते हैं, तो वहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग आती है जो उस पर्टिकुलर मीडियम की वैद्युतशीलता होती है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, आज पहले इतना सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूं, आप न्यूमेरिकल करिए, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन है आपके आप अपने घर पर बैठ के करिए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हम यहां पर डेडिकेटेड हैं आपको उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 में फिजिक्स में अच्छे नंबरों में लाने के लिए। 70 में से 70 नंबर नहीं तो 65 नंबर तो आप लेके ही आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है यदि आप हमारी तरह साथ में चलते हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपके यहां पे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके लिए, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी बताएं, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी बताएं, यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक प्रोटोन के भार के बराबर हो। क्वेश्चन प्रश्न दोबारा सुनिए, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी बताओ जब उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक प्रोटोन के भार के बराबर हो। मास ऑफ प्रोटोन आपको दिया हुआ है जी, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जी, स्मॉल जी, वो आपको दे रखा है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप यह क्वेश्चन जरूर करेंगे और आप जो बोर्ड परीक्षा है 2020 इंटरमीडिएट की, बड़े मनोयोग के साथ, बड़े जोश के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं दीपक पंत आपके साथ आपकी बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवाने में आपकी मदद करूंगा। तो इसी आशा में कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारे छोटे भाई बहनों के पास यह वीडियो पहुंच जाए जो कि सरकारी स्कूल में है जहां पर टीचर्स बहुत कम हैं। तो थैंक यू, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।